27 सितंबर 2024 को इजरायली एयरफोर्स ने लेबनान की राजधानी बेरूत में करीब 80 टन के बम गिराए थे। ये बम बंकर रोधी थे जिनके फटने से 6 बिल्डिंगें मिट्टी में मिल गई और इन्हीं बिल्डिंग्स के नीचे हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरल्लाह का बंकर था जिसमें वो अपने कमांडरों के साथ मीटिंग कर रहा था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इजराइल को हिजबुल्ला चीफ की सटीक लोकेशन के बारे में पता कैसे चला। तो हम आपको बता दें कि इसको लेकर फ्रांस के अखबार ले पेरिसियन ने अपनी एक रिपोर्ट में खुलासा किया है कि एक ईरानी जासूस ने हसन नसरल्लाह की लोकेशन के बारे में आईडीएफ को खबर दी थी, जिसके बाद आईडीएफ ने उस लोकेशन पर ताबड़तोड़ बमबारी कर दी। और इस हमले में नसरल्लाह के साथ दक्षिणी कमांड के मुखिया अल कराकी के साथ कई टॉप कमांडर मारे गए। फ्रांस के अखबार ने लेबनान में अपने एक सूत्र के हवाले से कहा कि ईरानी जासूस ने इजरायली अधिकारियों को ये जानकारी दी थी कि हसन नसरल्लाह कई टॉप कमांडर्स के साथ बेरूत के उपनगरीय इलाके में एक अंडरग्राउंड बंकर में जाएगा और इसके बाद इजरायली सेना लेबनान के समयानुसार सुबह करीब 11 बजे ट्वीट करती है कि हसन नसरल्लाह अब दुनिया को आतंकित नहीं कर पाएगा और इसके बाद हिजबुल्ला ने नसरल्लाह की मौत की पुष्टि कर दी थी। वहीं अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्ला के साथ 2006 में युद्ध के बाद आईडीएफ ने अपनी पूरी ताकत हिजबुल्ला के खिलाफ एक जासूसी तंत्र बनाने में झोंक दी थी, जिसकी वजह से उसको हाल ही में हिजबुल्ला के खिलाफ बड़ी सफलताएं मिली, क्योंकि 2006 का युद्ध करीब 1 महीने तक चला था और उस वक्त नसरल्लाह किसी तरह से बच गया था। और इसके बाद ही इजराइल ने अपने काफी संसाधन हिजबुल्ला के खिलाफ एक जासूसी का जाल बिछाने में खर्च किए थे। आईडीएफ की यूनिट 8200 सिग्नल एजेंसी ने हिजबुल्ला के सेलफोन और अन्य संचार साधनों को इंटरसेप्ट करने के लिए बेहद ही ताकतवर टूल बनाए। इस यूनिट में कॉम्बैट रेंज के अधिकारी शामिल किए गए जो जरूरी सूचना तुरंत सैनिकों और एयरफोर्स के साथ साझा कर सके। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि नसरल्लाह को मारने का फैसला हाल के दिनों में लिया गया और अमेरिका को ये बात नहीं बताई गई, क्योंकि इसराइल को डर था कि कहीं अमेरिका को बताने से नसरल्लाह को मारने का मौका हाथ से ना निकल जाए। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इजरायली अधिकारी हिजबुल्ला के साथ सीज फायर पर अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे थे और उधर पीएम नेतन्याहू यूएन महासभा में भाषण के लिए अमेरिका पहुंचे थे और नेतन्याहू ने यूएन में अपने संबोधन में कुछ ही समय पहले नसरल्लाह की मौत के आदेश को तामील कर दिया था और उनके इस आदेश पर रक्षा मंत्री योव गैलेंट समेत कैबिनेट ने मोहर लगा दी थी। और इस हमले की सूचना अमेरिका को उस वक्त दी गई जब इजरायली लड़ाकू जेट्स नसरल्लाह को मारने के लिए हवा में उड़ान भर चुके थे और इसी दौरान नेतन्याहू अमेरिका के साथ लेबनान में सीज फायर पर बातचीत कर रहे थे। लेकिन जैसे ही अमेरिका को ये खबर लगी तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि इजरायल ने उसे गुमराह किया है। हालांकि इजरायली कैबिनेट के रीजनल कॉरपोरेट मंत्री डेविड एम सलेम और वित्त मंत्री बेजले स्मोट्रिच ने इस फैसले का विरोध जताया था, लेकिन बाद में रक्षा मंत्री से बात करने के बाद ये सब ही मान गए और फिर रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने नेतन्याहू को फोन किया और उधर से नेतन्याहू ने इस ऑपरेशन को हरी झंडी दे दी।